अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। तो जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पाक आर्मी की जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस लिहाज से आसानी तरीके से जो है ना, इजीली पाक आर्मी जॉब्स की अपडेट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और समथिंग एज लाइक कि हम कोई भी जो है आर्मी के रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, खा वो सेकेंड लेफ्टिनेंट के रिलेटेड है या कोई भी सोल्जर रैंकिंग की जो है ना, ऑनलाइन फाइल सबमिशन के रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद हम यहाँ पे गूगल सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्वाइन पाक आर्मी। जब भी आप देखें कि आपने पाक आर्मी जो है ना ज्वाइन करने के लिए, उसकी जॉब्स देखने के लिए जो है ना, आपने सर्च करना है जो कि इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, ज्वाइन पाक आर्मी। उसके बाद आपने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास है पाक आर्मी की, यानी कि जो है ना आर्मी के रिलेटेड जो ओरिजिनल हमारे पास वैकेंसीज की डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे पास कुछ इस तरह पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने व्यूअर्स यहाँ पे आपने होम टैब पे क्लिक करना है। तो ये हम बेसिकली ऑलरेडी जो है ना होम टैब पे मौजूद है। यहाँ पे हमने ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि अगर रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होंगी तो उस पर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट रजिस्ट्रेशन टू ज्वाइन नाउ। इस टाइम हमारे पास तीन जो है ना कैटेगरीज की हमारे पास इस टाइम हमें देखने को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइन आर्मी एज अ रेगुलर कमांडेंट ऑफिसर, यानी कि आप अगर सीओ की पोस्ट, यानी कि आप कमीशन ऑफिसर की रैंकिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आप इस जो है ना इस टाइम जो हमारे पास जो बटालियन चल रही है, टेक्निकल कैडेट कोर्स 35 नंबर कोर्स इस टाइम हमारे पास यहाँ पे अवेल है। उसके बाद यहाँ पे उसके रिलेटेड जो है ना फॉर कोर्स डिटेल क्लिक किया, अगर आप कोर्स के रिलेटेड डिटेल लेना चाहते हैं और या फिर अगर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आप अगर मालूम लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, फॉर एग्जाम स्लिप, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है उसके बाद आपको एग्जाम स्लिप के लिए आपको हेयर पे क्लिक करके आपको एग्जाम स्लिप आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ नीचे ये दिखा रहे हैं कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 10 फरवरी 2023। और जी मैं साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि आर्मी की रूल्स और पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। आई थिंक अभी रिसेंटली जो है ना वो 22 ईयर्स जो है ना इनकी एज की लिमिट है फॉर सोल्जर रैंकिंग, और मे बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी एज मजीद 25 ईयर्स तक या 23 तक आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, उसके साथ ही साथ हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि ज्वाइन पाक आर्मी एज अ डॉक्टर कैप्टन मेजर। आप जो है ना डायरेक्टली अपने इस आर्मी की पोस्ट पे आप एज अ डॉक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कम अज़ कम आपकी ग्रेजुएशन एमबीबीएस या उसके रिलेटिव जो भी उनको रिक्वायर्ड होगी उसको आप उनकी अचीवमेंट के मुताबिक आप उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ही आप जो है ना इस पोस्ट के लिए शॉर्टकट जो है ना सर्विस रेगुलर कमीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ऑप्शन डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स सर्विस कमीशन। यहाँ पे आप ज्वाइन पाक आर्मी एज ए कैप्टन, यानी कि आप शॉर्ट जो है ना एग्जाम से, यानी कि शॉर्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन से आप ही डायरेक्ट कैप्टन भी भर्ती हो सकते हैं। तो जी बस, यह सबसे पहले तो मैं आपको ये एज ए कैडेट जो है उसको क्लिक करके उसकी डिटेल के रिलेटेड बता देता हूँ। कोर्स की डिटेल चेक करने के लिए हम डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दे रहे हैं कि मैट्रिक
सीनियोरिटी, कैम्ब्रिज, जीईसी, यानी कि ओ लेवल की जो जो उनकी रिक्वायरमेंट आपकी मेट्रिकुलेशन एंड एफएससी, ए लेवल, ओ लेवल जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट, उनके मुताबिक आपको यहाँ से टोटली बायोडाटा मिल जाएगा। देन इफ आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए ये कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह रखी हैं कि उनकी जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ उनकी कोर्स की जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं कि एज होनी चाहिए आपकी 17 से 21 ईयर्स, जो है ना रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स बोथ इन अपर एंड लोअर एज लिमिट मेल के लिए, और अनमैरिड, उनका मार्टियल स्टेटस उनको रिक्वायर्ड है, उसके लिए हाइट उनको रिक्वायर्ड है 162.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो 5 फुट 4 इंच तकरीबन बनती है, और बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि सॉरी वेट जो है ना वो बॉडी के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो जी बस इस तरह आप इजीली जो है ना फॉर कमीशन ऑफिसर के लिए या फिर किसी भी कमीशन ऑफिसर की रैंकिंग के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस तरह पाक ज्वाइन आर्मी, ज्वाइन पाक आर्मी की बेसिस पे इस वेबसाइट पे आकर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।